बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वबा ने इस वक्त समाज पर मुसबत और मनफी दोनों किस्म के असरात मरतब किए हैं। बिलाशुबा बाज़ लोग बढ़ते हुई तादाद बीमारों की और मरने वालों की देखकर परेशान हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन इन्हीं के दरमियान ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो ना बीमारी से ना मौत से परेशान है, इसलिए कि वो जानते हैं कि बीमारी भी मिन जानिबिल्लाह है, सेहत भी मिन जानिबिल्लाह है, ज़िंदगी भी अल्लाह की जानिब से है, मौत भी अल्लाह की जानिब से है, और ये हर किसी को आनी है, आएगी। ज़िंदगी की हकीकत को तस्लीम करते हुए, अल्लाह से रुजू करते हुए ज़िंदगी को इस वक्त गुजारने का एक अनोखा और बहुत ही हौसला बख्श तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, वो इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने, अल्लाह से अजर पाने और अल्लाह का इनाम और इकराम पाने का सुनहरा मौका समझते हैं। ये बात आम हालात में समझाना मुश्किल था, लेकिन करोना के असरात ने इन बातों को समझा दिया है। फिर लोगों के दरमियान एक तरफ फासले और दूरियां भी पैदा हुई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों से मिलकर फ़ोन के ज़रिए से उनकी मिजाज पुरसी करके और उनकी हौसला मंदी उनको देते हुए लोगों को विज़िट कर रहे हैं, बीमारों को विज़िट कर रहे हैं और उनसे करीब हो रहे हैं। घरों में बिलखुसूस जो फैमिली के तमाम लोग कभी कभार मिल बैठते थे एक साथ मामूलात में, अब रोज़ाना उनका मिलजुल कर रहने का मामूल बन गया है, जिससे रिश्तों में और मजबूती आई है और गहराई पैदा हुई है, ताल्लुकात में गर्म जोशी पैदा हुई है, रिश्तों में ये कैफियतें भी इस वक्त पैदा हुई हैं। करोना एक तरफ आजमाइश है, तो दूसरी तरफ आजमाइश में अजर पाने का एक सुनहरा मौका भी है। जो लोग अल्लाह से अपनी रिश्तेदारी, अपनी खुर्बतों को बढ़ाए हुए हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ को बढ़ाए हुए हैं, उनका तो एक बहुत ही अजीब गरीब मामला है। वह हर पल हर वक्त अल्लाह से खुर्बतों के मौक़े तलाश कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करके, खुदा के बंदों की खिदमत करके और लोगों का हौसला बढ़ाकर, मायूसी के दलदल से उनको बाहर निकाल कर, उनको ज़िंदगी की तलखियों से बाहर निकाल कर शीरीनी की तरफ लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी काबिल रश्क है। तो समाज में इस वक्त ये दोनों कैफियतें हैं, हम किस नज़र से देखते हैं उसके ऊपर मुनहसिर है। अगर हम देखें इन लोगों को जो खिदमत में लगे हुए हैं, तो हमें भी हौसला मिलता है, रश्क आता है और हम भी जो है खुदा की वो याद जो इनके सीनों में इस वक्त मौजूद है, हमारे अंदर भी उसकी आँच और उसकी भाप हम महसूस कर सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।